नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। क्या सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि पहलवान बेटियों का दुश्मन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का प्रतीक है, उनका ब्रांड एम्बेसडर है? यह ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे जाके। और अगर राहुल गांधी की राजनीति बेमानी है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उन पर हमला क्यों बोलते रहता है? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। शुरुआत हम करना चाहेंगे राहुल गांधी के साथ। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक और रैली को संबोधित किया, इस बार नांदेड़ महाराष्ट्र में। और नांदेड़ महाराष्ट्र पहुंचकर भी वो राहुल गांधी को नहीं भूले। सीधा सवाल, अगर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक पप्पू हैं, नंबर एक, नंबर दो, अगर उनकी राजनीति के कोई मायने नहीं हैं, अगर वो राजनीति में इमैच्योर हैं, अपरिपक्व हैं, तो देश के गृहमंत्री अमित शाह अपनी हर चुनावी रैली में उनका जिक्र क्यों करते हैं? क्या राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद को असहज, असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कर रही है? ये सवाल हैं और इनके जवाब दिए जाने चाहिए, क्योंकि देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह एक रैली में क्या कर रहे हैं, सुनिए। मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते, ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर बोलते। दोस्तों, मुद्दा वहां तक सीमित नहीं है। हुआ क्या है, पिछले दो दिनों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मीम वॉर जारी है, यानी कि राहुल गांधी के पुराने बयान निकाले जा रहे हैं और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मगर आजकल चूंकि कांग्रेस का प्रचार तंत्र भी बहुत मजबूत है, इसीलिए वो लोग उन पर 20 साबित हो रहे हैं, उन पर भारी साबित हो रहे हैं। मसलन भारतीय जनता पार्टी ने यह ट्वीट किया कि बात ऐसी करो कि ट्रांसलेटर ही भाग जाए। राहुल गांधी के इस ट्वीट को बीजेपी वायरल कर रही है, इस बयान को बीजेपी वायरल कर रही है। देखिए, मुझे सबसे अच्छी लगती थी अने मने सौथी वधारे गमती हती ये चौपड़ी, ये वार्ता, उसमें फोटो फोटो की किताब थी। हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा, आपकी हिंदी समझते हो, ठीक है। तो नहीं करना चाहते। अब हुआ क्या कि एमपी यूथ कांग्रेस ने इसका पलटवार किया और उन्होंने क्या कहा, गृह मंत्री ऐसा बना दो कि 12वीं के बाद इंटर करना पड़ जाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो पुराना बयान दोस्तों, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया था, ये भाषण दिया था, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप। और बात वहां नहीं रुकती, राहुल गांधी पर लगातार हमले जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबको आती ही नहीं, इनकी जाती ही नहीं, पप्पू पंती। और यहां पर राहुल गांधी के उस बयान का हवाला है जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी यानी गरीबी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एक मानसिक दशा है। अब इसके जवाब में जी न्यूज को दिया गया एक इंटरव्यू का हवाला पार्टी के नेता श्रीनिवासन कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़ी की दुकान लगाना रोजगार है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासी आलोचना हुई थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था।
अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे, मानोगे कि नहीं। यही नहीं, राहुल गांधी की एक और सभा का जिक्र किया जा रहा है जिसमें स्वच्छ भारत पर उन्होंने जनता से सवाल पूछे थे और राहुल गांधी की बात से अधिकतर लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या किया और बीजेपी उसका मजाक उड़ा रही है। बीजेपी कह रही है बातें ऐसी करो कि चार लोग भी हां में हां ना मिला पाए। सुने, क्लीन योर कंट्री इज ए स्ट्रेटेजिक नेशनल गवर्नमेंट प्रोग्राम। वेल इट्स नॉट वर्किंग इज इट? आई डोंट सी इट वर्किंग। यू सी इट वर्किंग? Okay, I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? अब इसका पलटवार कांग्रेस इस तरह से कर रही है कि प्रधानमंत्री ने सीएनएन आईबीएन को एक जमाने में जब इंटरव्यू दिया था करण थापर को, जब करण थापर के एक सवाल ने उन्हें पानी पिला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था दोस्ती बनी रहे, उसका जिक्र कांग्रेस इस ट्वीट को, इस क्लिप को वायरल करके कर रही है। सुनिए, नॉट लेटिंग पीपल हियर द मैसेज रिपीटेडली, you are relying on image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Bottle water. Yeah. For pani aap piche rahe. Dosti bani rahe. Apni dosti bani rahe. You came here. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच में एक सोशल मीडिया वॉर जारी है क्योंकि दोनों पार्टियां इस बात को समझती हैं कि 2024 में एक ऐसे वक्त जब मुख्य धारा की मीडिया यानी गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की विश्वसनीयता 12 के भाव चली गई यानी बर्बाद हो गया गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखकर ही आप सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए यह मीम युद्ध हो रहा है दोनों के बीच। मगर यकीनन पलटवार कांग्रेस कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस के वीडियोस को कहीं ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है, कहीं ज्यादा देखा जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी को अब नए आइडियाज, नए विचारों की जरूरत है। और यही नहीं, बीजेपी को एक नए ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है क्योंकि टेलीग्राफ में एक करारा हमला बोला है दोस्तों अपने फ्रंट पेज पर। टेलीग्राफ के मुताबिक क्या ब्रजभूषण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? और वो ऐसा क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा अपना शक्ति प्रदर्शन किया, रैली की। उस रैली के अंदर उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का एक तरह से अपमान किया। यही नहीं, उन्होंने यह तक कहा कि अगर 1971 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान से खोई हुई जमीन मिल जाती, जबकि आप जानते हैं यह इंदिरा गांधी का ही नेतृत्व था कि पाकिस्तान दो फाड़ हो गया, एक बांग्लादेश बन गया। दो, ये ना भूलें, हमारी समुद्री सीमा पर अमुद्री जहाज आ गए थे, पानी के जहाज आ गए थे। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चेतावनी दी जा रही थी मगर वो टस से मस ना हुई। पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया था वो इंदिरा गांधी को कोस रहा था मगर वो टस से मस ना हुई। जो बयान दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने इंदिरा गांधी का अपमान किया है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या वो नरेंद्र मोदी की राजनीति के प्रतीक हैं। उन्होंने क्या कहा एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अगर 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो चीन और पाकिस्तान के कब्जे से जमीन छुड़ा ली गई होती, गोंडा रैली में बोले ब्रजभूषण। उन्होंने क्या क्या कहा, गोंडा जिले में बालपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण ने अपना भाषण उर्दू शायरी से शुरू किया और रामचरितमानस की चौपाई से उसका अंत किया। ब्रजभूषण ने कहा 1947 में जब कांग्रेस सत्ता में थी देश का बंटवारा हुआ जिसका घाव अभी तक भरा नहीं है, जब कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर
78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली गई। 1962 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, चीन ने हम पर हमला किया और 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। बात यहां नहीं रुकती, आगे ब्रजभूषण कहते हैं, 1971 में एक अप्रत्याशित घटना में 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिया गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पुराना हिसाब निपटाए बगैर उन्हें छोड़ दिया। यानी कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस व्यक्ति ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शौर्य का अपमान किया, ये कहकर कि अगर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो ये होता। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहा, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वो खुद को भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस कदर सहज क्यों महसूस कर रहा है, क्यों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, क्यों दिल्ली पुलिस हमारी पहलवान बेटियों का अपमान कर रहे हैं। और अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं ना, वो शॉकिंग है, शर्मनाक है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने पहलवान बेटियों से कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो आपको गले लगाया, आपको गलत ढंग से छुआ, उसके सबूत दीजिए फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके साथ किसी ने बदतमीजी की तो क्या आप अपने हाथ में फोन लेकर चलते हैं 24 घंटे? यानी कि बृजभूषण शरण सिंह कथित तौर पर एक पहलवान बेटी के स्तन, उसकी छाती पर हाथ रख रहे थे और दिल्ली पुलिस यह उम्मीद करती है कि उस वक्त वो सेल्फी ले लेंगी या वीडियो बना लेंगी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से क्या खबर आई है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वाकई ये खबर जो है, अगर वो सही है तो दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद करूंगा। Two top women wrestlers who have accused Wrestling Federation of India President and BJP MP Brijbhushan Sharan Singh of touching their breasts and sliding his hand to the stomach on the pretext of checking their breathing have been asked by the Delhi police to provide photo, audio and video as evidence for their allegations. बात वहां नहीं रुकती, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द कंप्लेनेंट्स एज मेंशन्ड इन द एफआईआर, बृजभूषण शरण सिंह हग्ड हर टाइटली फॉर 10 टू 15 सेकंड्स आफ्टर शी वन अ मेजर मेडल ओवरसीज। द रेसलर क्लेम्ड दैट शी हैड टू कीप हर हैंड नियर हर ब्रेस्ट टू अवॉइड बीइंग ग्रोप्ड। द पुलिस इज सेड टू हैव आस्क्ड दिस रेसलर फॉर अ फोटोग्राफ ऑफ द इवेंट व्हेन द हग हैपेंड। यानी कि एक महिला पहलवान एक बड़ा मेडल जीतती हैं, बृजभूषण शरण सिंह के पास जाती हैं, बृजभूषण शरण सिंह जबरदस्ती 15 सेकंड तक उनसे गले लगता है और जब वो गले लग रहा होता है तब वो पहलवान बेटी अपनी छाती पर हाथ रखती है अपनी आबरू बचाने के लिए। और अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इस तमाम चीज का आप हमें वीडियो सबूत दीजिए। एक तरफ दिल्ली पुलिस ये कर रही है, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है और उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का अपमान करके। अब आप मुझे बताइए ना, ऐसे में टेलीग्राफ ने ये जो बात कही है कि क्या बृजभूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का प्रतीक है, इसमें क्या गलत है बताइए? क्या गलत कहा ऐसे में टेलीग्राफ ने? वो क्या कहा है किसी ने? शर्म तुमको मगर आती नहीं, ना बीजेपी को ना दिल्ली पुलिस को। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।